पढ़ना लिखना सीखो ऐ दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंजिलें और भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको कहाँ की सैर कराऊंगी। यही ना, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज मैं आपको सबसे पहले लेकर चलती हूँ उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गांव नदौसी में, जो देश की राजधानी से मात्र 250 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके इस जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। इस जिले की निरक्षरता का मुख्य कारण लोगों में जागरूकता की कमी रही है। साक्षरता दर को मजबूती देने के लिए इस जिले में साक्षरता कार्यक्रम चलाए गए और निरंतर चलाए जा रहे हैं। बरेली एक पुराना जिला होने के साथ साथ रुहेलखंड का मुख्य जिला भी है। साक्षरता दर में पिछड़े 150 जिलों में बरेली भी शामिल है। लेकिन इस जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले ओमकार नाथ ने वो कर दिखाया जो जीवन में एक दो ही कर पाते हैं। हम आपको लेकर चलते हैं ओमकार के गांव और देखते हैं कि कैसे इस इंसान ने साक्षरता से जुड़कर इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। ओमकार नाथ, जो बेहद ही गरीब परिवार में जन्मा और उसी गरीबी में एक घटना ने इतना कुछ छीन लिया जिसकी भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता। जिंदगी ने कुछ देने से पहले ही सब कुछ उजाड़ दिया। जी हाँ, सिर्फ 7 साल की उम्र में ही बिजली का करंट लगने से मौत से सामना हो गया। जिंदगी तो बच गई, लेकिन इसकी कीमत अपने दोनों हाथ खोकर चुकानी पड़ी। जीवन का यह सफर कठिन ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था। अगर हौसलों में जरा भी कमी आती तो शायद इंसान अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। बहुत ही परेशानी का मंजर था। टाइम ऐसा था कि हो भी सकता था, और वैसे तो मेरे आगे जो समस्याएं आई थी इनसे जूझने के लिए तो शायद ये ऊपर वाले का अगर सहारा ना होता ईश्वर का तो हम कुछ नहीं होते। उसके बाद जो फरिश्ते बनाई जमीन पर, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत ही प्रेरित किया, बहुत हेल्प की, तब कहीं आगे बढ़ पाया। किसी तरह अपने आप को संभालने की कोशिश जारी रखी कि इसी बीच पिता का साया भी सर से छिन गया। ऐसा लगा मानो जो कुछ बचा था वो भी छीन लिया गया हो। माँ का साथ था और उस खुदा का। माँ ने इधर उधर काम करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाना शुरू किया। ओमकार बचपन से ही पढ़ना लिखना चाहता था, मगर हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। और फिर दोनों हाथ बदन से जुदा हो जाने के बाद तो मानो ये नामुमकिन सा लगने लगा। लेकिन उसकी ये कोशिश जारी थी कि किसी तरह वो पढ़ना लिखना सीख ले। लेकिन मुश्किल ये थी कि पढ़े तो कैसे, कौन पढ़ाएगा मुझे, किस स्कूल में जाऊं। जिस स्कूल में पढ़ने को गया तो मना कर दिया गया और ये कहा गया कि तुम आम लड़कों की बराबरी नहीं कर सकते, तुम पढ़ और लिख नहीं सकते। ओमकार को ना जाने क्या क्या सुनना पड़ा। ओमकार के आत्मविश्वास ने कई बार जवाब दे दिया, मगर कहीं से अपने हौसलों और हिम्मत को इकट्ठा कर आगे बढ़ने का मन बनाया। अपने उन्हीं अधूरे हाथों से लिखना शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद ओमकार ने वो कर दिखाया जिस पर लोग अभी तक उंगली उठा रहे थे। एडमिशन टाइम में तो बड़ी परेशानी आई, मास्टर ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे दोनों हाथ कर चुके हैं, जहाँ तुम्हारा वो होता है स्कूल वहाँ एडमिशन लो जाके। कुछ नहीं हुआ, फिर प्रधान जी से हेल्प ली। प्रधान जी ने उनको कहा ये जो पढ़ना चाहता है तो तुम इसको एडमिशन दो, उसके बाद देखा जाएगा, अगर ये काम पूरा नहीं करता तुम निकाल देना इसको। एक दिन ऐसा आया जब ओमकार ने अपने आप को साबित कर दिखाया और उसने 12वीं की कक्षा पास की। उसके बाद भी उसका ये सिलसिला जारी रहा और फिर उसने बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। ओमकार अब उस मकाम पर आ गया
जहां वो अपने अलावा दूसरे लोगों के बारे में सोचने लगा था, उन लोगों के बारे में जिनको या तो वक्त ने कुछ करने का कोई मौका नहीं दिया या फिर वो अपने हालातों से हार कर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इनकी सारी समस्याओं की जड़ एक ही थी, इनका निरक्षर होना। इनकी मुश्किलें तभी आसान हो सकती थीं जब ये साक्षर हों, मगर इनको साक्षर कर पाना आसान नहीं था। इसी बीच ओमकार को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रमों की जानकारी मिली। ओमकार ने स्वयं जिला साक्षरता समिति के सचिव ज्ञानेंद्र शर्मा से मिलकर इससे जोड़ने का फैसला किया। फिर क्या था, उस समय चलाए जा रहे संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ गए और अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा कर पढ़ाने की शुरुआत की। लोगों को शुरू में ओमकार की सोच पर तरस आया कि इस उम्र में ये क्या करने चला है, मगर उसने इन सबको करारा जवाब देते हुए आगे बढ़ना ठीक समझा। जब गांव में जाते हैं ना तो थोड़ा पागल सा समझते हैं कि अरे यार इसको क्या पड़ी है हमें पढ़ाने की, बहुत सी समस्याएं ऐसी आती हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है अगर ये सब कुछ हमारे से हो सकता है, और हमारा मैं बरेली में रहता हूँ, जिला बरेली में, तो इसलिए बरेली अगर हमारे वजह से आगे बढ़ सकती है पढ़े लिखों के या मेरी वजह से, तो मैं इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हूँ हमेशा, जब तक ये ऐसा रहेगा कि कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई गरीब है, तो मैं ये हमेशा साथ दूंगा उसका। मोहल्ले के ही मजदूर वर्ग के व्यक्ति जो निरक्षरता को अपने कंधों पर ढो रहे थे, उनको इकट्ठा कर पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे कक्षाओं में लोगों की तादाद बढ़ती रही। ओमकार द्वारा चलाई जा रही साक्षरता कक्षाओं में जो सबसे अहम बात थी वो ये कि उनकी कक्षाओं में पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ पढ़ते थे। इसमें उनकी मदद की मोहल्ले की नसरीन ने। वो ओमकार का उदाहरण देते हुए भारी मात्रा में नव साक्षरों को कक्षाओं तक लाने में सफल हुई। इसके साथ पढ़ाई के अलावा कक्षाओं में सिलाई कटाई जैसे प्रशिक्षण भी देने शुरू किए, जिससे महिलाएं और लड़कियां घर बैठे ही अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ कमाई कर सकें और साथ साथ अपनी शिक्षा को भी जारी रख सकें। ओमकार ने अपने अथक प्रयास से इस दौरान 20 लोगों को साक्षर किया। उसकी कामयाबी के चर्चे चारों तरफ थे कि किस तरह उसने अपने साथ साथ अन्य लोगों को इस लायक बनाया कि वो समाज में सिर उठा के चल सकें। आज ये लोग अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। स्कूल में जाने के बाद तुम फीस देते हो, टाइम देते हो, तो तुम्हारे घर बैठे पढ़ाने आए, और उसके बाद तुम्हें इतना टाइम, शाम को तुम काम करके आ रहे हो, मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, तो बताओ मुझे क्या मिल रहा है। अगर मान लो मुझे मिल भी रहा है, हालांकि मिलता नहीं है इससे कुछ, मतलब मानदेय तो कुछ है नहीं, फिर उसके बाद भी मिलता नहीं है कुछ भी, फिर भी मैं आपको ये सबको समय दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे खुद आपको बढ़ाने की इच्छा है, आगे जैसे मैं बढ़ाऊँ आप भी बढ़ो। आज ये जिला कचहरी में कातिब का काम करते हैं, जिससे इनके जीवन का गुजारा आराम से चलता है। ओमकार उस पहाड़ जैसे हौसलों वाले व्यक्ति हैं जो कभी भी अपने हालात से हारे नहीं हैं। ओमकार एक बहुत ही अच्छे साइकिल चालक भी हैं। न जाने कितनी ही साइकिल रेसें ओमकार ने जीती हैं। लाख ठोकरें खाने के बावजूद आज ये एक सफल व्यक्ति की तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। जहाँ हर व्यक्ति अपना स्वार्थ सीधा करने में लगा है, वहीं ओमकार न जाने कितनी जिंदगियों को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसे इस दुनिया ने अपने ही ऊपर बोझ कहकर दुत्कार दिया था, मगर आज हालात कुछ और हैं। ओमकार अपने सफर को यूं ही चलाना चाहते हैं और सारी उम्र साक्षरता से जुड़े रहना चाहते हैं कि जीवन रहते किसी के काम आ जाएं, जिससे दुनिया का ये सफर सफल हो जाए और बाद जाने के भी उनका नाम किसी को याद रह जाए। मेरा तो दिल भर आया कि ओमकार किस जज्बे के साथ साक्षरता से जुड़कर अपने जिले को पूर्ण साक्षर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ओमकार की हिम्मत, लगन और ये नेक जज्बा उन सब के लिए चुनौती है जो सक्षम होते हुए भी साक्षरता से आज भी दूरी बनाए हुए हैं और एक अंधकार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बात जज्बे की है तो हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही महिला से जिसने उम्र के आखिरी दौर में ठोकर खाने के बाद अपने आप को साक्षर किया। टीकमगढ़, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, इस जिले में निरक्षरता की बहुत सी वजह रही हैं। गरीबी, सामंतवाद और साथ ही महिलाओं के लिए बनाए गए अलग मापदंड, जिसकी वजह से जिले में निरक्षरता बहुत बढ़ गई है।
बात निरक्षरता की है तो हम आपको बताते चलें कि 1991 में महिला साक्षरता दर मात्र 19.96 थी, जो बाद में 40.98 हो गई। लेकिन ये काफी नहीं था। पुरुषों के मुकाबले अभी महिलाओं को साक्षरता की ओर लाने के लिए बहुत कुछ करना है। इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि महिलाएं साक्षरता की ओर नहीं आ रही हैं। उसका एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं भीनी बाई के रूप में। शिक्षा आवश्यक तो है, मगर इन लोगों का क्या जिन्हें 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में साक्षरता कक्षाओं में जाकर साक्षर होने की बात बेईमानी लगती है, मगर ये भी एक सच है कि इन लोगों ने हर कदम पर अपने बुरे हालातों का एक ऐसा चेहरा जरूर देखा है जिसका कारण हर बार इनकी निरक्षरता ही रही है। लेकिन अब इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है कि करें तो क्या, इस साक्षरता के पीछे भागें या फिर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करें। बेनी बाई भी एक ऐसे ही मजदूर वर्ग की महिला है, पर एक घटना ने इनके जीवन को बदलने पर मजबूर कर दिया। समर्रा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव। यहां साक्षरता दर काफी कम होने की वजह से यहां के लोगों को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और इन्हीं में से एक थी बेनी बाई। उस दिन इन्हें एहसास हुआ कि काश मैं साक्षर होती, काश मैं निरक्षर होने की वजह से दूसरों पर आश्रित न रहती, और उस दिन इन्होंने साक्षर होने का फैसला किया। बाई बीमार हो गई थी, अब जब हम कछु जानते ही नहीं थे, पढ़ लिख के ना कछु देखू तो ना क्या गए थे खेत से बाहर। सो फिर हमने की क्या आपका कहीं बीमार हो गया, सो हम घबराने लगे, सो कई कोशिश सो कही के अस्पताल ले जाओ ना इतने धाए का कह। फिर हम ले गए अस्पताल, सो तब पहुँची, सो हमको जाना चाहती कि कितने पैसा बना तो कितने दवाई मिलती। सो कही के 4 नंबर में जाओ, सो हम ढूंढत फिर ना वहाँ कमरा गिन के गए। सो कही के इतने नहीं कहो 4 नंबर वहाँ जाओ, सो अब वहाँ भगत फिर हमें जानकारी नहीं आई। बेनी बाई जो कि एक मजदूर वर्ग की महिला है और खेतों में काम कर अपना गुजारा करती है, उनके लिए शिक्षा हासिल करना एक बहुत ही कठिन कार्य था। मगर अपने साथ हुए हादसे से इन्होंने फैसला किया कि कुछ करूं या ना करूं, मगर शिक्षित होकर रहूंगी। और गांव आकर उन्होंने मुलाकात की लक्ष्मी सोनी से। लक्ष्मी सोनी समर्रा गांव में प्रेरक का कार्य कर रही हैं। लक्ष्मी सोनी पिछले 15 साल से साक्षरता कार्यक्रमों से जुड़ी हैं और उन्होंने न जाने कितने ही लोगों को साक्षर किया है, कभी पढ़ना बढ़ना आंदोलन के अंतर्गत तो कभी महिला पढ़ना बढ़ना कार्यक्रमों के माध्यम से, और आज ये सतत शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं। फिर ऐसी ऐसा सब कुछ सोचने लगो के पढ़े लिखे हम हैं, हमें बिना पढ़े तो कूद नहीं जावे, हमने की हमें ही है या स्कूल मिल तो के हमें पढ़ा लिखा दे तो हम जाना लगते। सो फिर इन बहन जी ने हमसे कही के तुम्हें पढ़ने लिखने हैं, सो हमने की हाओ कल नहीं तो हम आते आए करें, सो हम सब काम करके उनके घर जाते हैं और पढ़ते हैं। और यहाँ से बेनी बाई ने अपनी सफलता की डगर पर पहला कदम रखा। बेनी बाई ने साक्षरता कक्षाओं में आना प्रारंभ किया, लेकिन इसमें अहम किरदार निभाने वाली जो सबसे बड़ी शख्सियत थी वो थी लक्ष्मी सोनी, जिन्होंने अपनी मेहनत से गांव की और महिलाओं को शिक्षा की ओर लाने में सफलता हासिल की। जहां लक्ष्मी सोनी साक्षरता कक्षाएं चला रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेनी बाई जैसी मजदूर वर्ग की महिला को साक्षरता कक्षाओं में आते देख गांव की और महिलाओं में साक्षरता के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। गांव की महिलाएं ऐसी हैं जो कि कुछ पढ़ना नहीं जानती थी, एक चिट्ठी लेके कभी आए दिन हमारे यहाँ आती थी कि बहन जी चिट्ठी पढ़ दो, आज हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो, कि चिट्ठी लिख दो, कि एप्लीकेशन लिख दो कहीं के लिए। तो हमने जी सोचा कि महिलाओं को हमें साक्षर करना, एक ग्रुप बनाया हमने, मतलब ग्रुप बना के फिर महिलाओं के लिए सोचा कि इनको साक्षर करना बहुत जरूरी है। और एक एक कर कक्षाओं में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। मजदूरी मजदूरी बेनी बाई ने साक्षर होकर एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसके चलते गांव में शिक्षा के प्रति बहुत बड़ी जागरूकता आई है। उन्होंने समर्रा गांव में जन जन को शिक्षा के महत्व को बताने के लिए अपनी गायन मंडली बनाकर क्षेत्रीय भाषा के गीत लिखे जो सभी साक्षरता से जुड़े हुए हैं।
रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य शुरू किया गया, जो बहुत ही बड़े स्तर पर जारी था। इसी गांव की बेनी ने अपने आप को साबित तो किया ही, और भी न जाने कितने गांव के कितने ही लोगों को साक्षरता की ओर प्रेरित किया। आज जहां गांव के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, जो आगे चलकर देश का भविष्य लिखेंगे, वहीं दूसरी ओर जो लोग निरक्षर हैं, वो अपने अशिक्षित रह जाने की गलती को सुधारने में लगे हैं। ये छोटे बच्चे आज अपने बड़ों के लिए प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं। इन बच्चों के माता पिता शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते हैं, और आज वो ये नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा अशिक्षित रह जाए। उन्हीं अशिक्षितों की श्रेणी में कभी बेनी बाई भी आती थी, मगर आज वो शिक्षित हैं, किसी पर आश्रित नहीं हैं और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं। बेनी बाई भले ही मजदूरी करती हों, मगर वो साक्षरता के महत्व को बखूबी समझती हैं। ये वही बेनी हैं जो कल तक ये नहीं जानती थी कि एक और एक कितने होते हैं। सब लोग पढ़ेंगे, सब पढ़े से सब मिलता है, नहीं तो बहुत परेशानियां होती है। बिना पढ़न की पूछ ही नहीं है। जो पढ़े लोग हो तो सब चार जनन में बैठा उठा था, हर काम करता, हर बात करता। आज ये वो बेनी है जो कुछ वक्त पहले तक निरक्षर थी, हर चीज से अनजान थी, मगर अब फर्क साफ नजर आता है। वो साक्षर बन चुकी है। अब नोट गिनने हो या कोई और हिसाब किताब करना हो, वो बखूबी कर सकती है। आज उनके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ चुका है। ऐसा नहीं है कि बेनी बाई साक्षर होकर कोई ऑफिसर बन गई हूँ। आज भी बेनी बाई खेतों में ही काम करती हैं, घर का सारा काम स्वयं करती हैं। मगर शिक्षित होकर जो फर्क आया है वो ये कि अब वो सारे काम एक बेहतर ढंग और सलीके से करती हैं। हाँ, जानकारी तो भी सब बताती कि ये सो बड़ी पापड़ बनाना, काम करना, अपने घर चलाना, अपने बाल बच्चे को समझाना, पढ़ाना लिखाना, हर चीज की बल करने, सेफ्टी के अपनों के सो घर में खर्चा हो कितो बचाना कितो लगाना। बेनी बाई अपनी सफलता का सारा श्रेय साक्षरता कार्यक्रमों को देती हैं, जिनके चलते न जाने कितने ही उन जैसे निरक्षर ग्रामीणों के अंधकार भरे जीवन में उजाला भरने का कार्य किया गया है। साक्षरता के ये कार्यक्रम आज अपनी कामयाबी की ओर अग्रसर हैं, मगर बेनी बाई जैसे लोगों के बिना ये पूरे नहीं हो सकते। ये सफर यूं ही चलता रहेगा, और वो दिन दूर नहीं जब बेनी बाई जैसी देश की हर महिला अपनी कामयाबी और साक्षर होने की इबारत खुद लिखेगी। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षित होने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। बेनी के साक्षर होने की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, और यदि आप निरक्षर हैं तब तो आप बेनी बाई से शिक्षा लेते हुए अपने आप को साक्षरता के पद पर जरूर लाएंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बेनी की ही तरह एक महिला जो निरक्षरता के चलते ही अपने जीवन से दुखी हो चुकी थी, मगर एक दिन वो साक्षर हुई और साथ ही हिसाब किताब सीखकर उसने रोजगार कर लिया। कुसुमावती, जो रायबरेली के एक छोटे से गांव लोधबाड़ी की रहने वाली हैं। यहां 2001 में आए आंकड़ों में साक्षरता दर मात्र 55.09% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 69.03% और महिला साक्षरता दर 40.44% थी, जिसे हम किसी भी मानों में संतोषजनक नहीं कह सकते हैं। लेकिन साक्षरता में पिछड़े इस जिले की कुसुमा ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। लेकिन उसने ये सब कैसे किया, आइए चलते हैं कुसुमा के ही गांव लोधबारी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा साक्षरता कार्यक्रम 2006 में रायबरेली जनपद में शुरू किया गया। इसी के तहत ग्राम लोधवारी में नोडल प्रेरक सुनीता और सह प्रेरक देव की शुक्ला ने गांव में निरक्षरों का साक्षरता केंद्र पर नामांकन करना शुरू किया। निरक्षर लोगों को साक्षरता केंद्र पर लाने के लिए इन लोगों ने प्रयास करने शुरू किए और बहुत हद तक अपने मकसद में कामयाब भी हुए। एक एक करके महिला साक्षरता कक्षाओं में निरक्षर महिलाओं ने अपना नामांकन कराया और साक्षरता केंद्र पर आना आरंभ किया। इन्हीं निरक्षर महिलाओं में से एक महिला कुसुमा ने अपना नामांकन भी साक्षरता केंद्र पर कराया। वक्त ने कुसुमा के साथ नाइंसाफी की और बचपन में ही माँ बाप का साया उसके सिर से उठ गया था। उसका पालन पोषण अन्य रिश्तेदारों द्वारा किया गया, जिसके कारण ये पढ़ाई से महरूम रह गई और शिक्षा जैसी जरूरत को नहीं समझ सकी।
कुष्मा के घर आए और इन्होंने अपनी रोती गाती अपनी व्यथा सुनाई। इस पर हम अपने साहब को बुलाया, जिनका मतलब दिग्विजय साहब को बुलाया और देवकी शुक्ला, और हम तीनों लोग मिलकर यहाँ आए, इनकी सारी समस्या सुनी और इनसे कहा कि तुम पढ़ना चाहती हो। तो इसने अपनी इच्छा जताई कि हाँ हम मतलब पढ़ना चाहते हैं दीदी, जहाँ जाते हैं वहाँ अंगूठा लगाते हैं, और हमारे आदमी से इसी बात को लेकर झगड़ा बीच बीच हुआ करता है, और हम चाह रहे हैं कि कुछ अपनी आगे रोजी पूंजी बढ़ाएं जिससे हमारे आदमी और हमारे बच्चे और हमारा परिवार सुखी रहे। कुसुमा को अपने निरक्षर होने का एहसास आए दिन होता रहता था। जब जब कोई हिसाब किताब या लिखने पढ़ने या फिर हस्ताक्षर करने की बात होती तो कुसुमा को जिल्लत का घूंट पीना पड़ता। दिल में ये जज्बा था कि किसी तरह मैं भी पढ़ पाती। सतत शिक्षा केंद्र के खुल जाने से कुसुमा के भाग्य में मानो चमत्कार हुआ हो। कुसुमा को अपने जीवन भर निरक्षर रहने की कुंठा को दूर करने की किरण दिखाई दी। उसने नोडल प्रेरक से मिलकर केंद्र पर अपना नामांकन कराया। तब से आज तक पढ़ने पढ़ाने का ये सिलसिला निरंतर जारी है। हमका सर ऐसे हमको पढ़ने की लगा कि सब लोग पढ़ता है, हमको कुछ नहीं आता, सब लोग जिसे गाना बजाना कॉपी में पढ़ के गाने लगा, तो हमको भी लगता कि हम भी पढ़ती तो आज हम भी आरती पूजा करने लगा, आरती कहने लगी, तो हमको लगता कि अगर हमको आता तो हम भी आरती कहते। इसी से हमको लगी था कि हमने कहीं भी जाते हैं तो औंठा लगाना पड़ता है, तो उसमें शर्म आ जाती है कि हम औंठा लगाते, सब लोग दस्तखत करते हैं, तो इसी से हमको हुआ है, हम सोचने कि हम भी पढ़ लें थोड़ा, नहीं तो हमको औंठा से तो छुपी आ जाए, अपना दस्तखत तो बना ले। कुसुमा पेशे से धोबी है और इस काम से होने वाली मामूली आय से उसके घर के खर्चे पूरे नहीं होते थे और घर में कलह की स्थिति बनी रहती थी। कुसुमा ने फिर भी कभी साक्षरता केंद्र पर आना नहीं रोका और निरंतर साक्षरता केंद्र पर आती और निरक्षरता जैसे कलंक को अपने नाम से हटाने के प्रयास में जुट जाती। ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। पूरे गांव की महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में आकर अपना नामांकन कराने लगे और साक्षर होने की कोशिश में लग गए। इस साक्षरता केंद्र पर महिला प्रेरक होने की वजह से महिला नव साक्षरों की संख्या अधिक थी। कुसुमा लगातार साक्षरता केंद्र पर आती रही, मगर उसके सामने मुश्किल ये थी कि घर के हालात कैसे सुधारे जाएं। घर की परेशानियां बढ़ती चली जा रही थीं। इसी बीच एक रोज कुसुमा ने केंद्र पर आना बंद कर दिया। जब लगातार 3 दिन तक कुसुमा केंद्र पर नहीं आई तो नोडल प्रेरक ने कुसुमा के घर जाकर जानने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है। जब कुसुमा ने अपने घर के सारे हालात से उन्हें वाकिफ कराया तो प्रेरक सुनीता ने सलाह दी कि अब जब तुम हिसाब किताब जान चुकी हो, पढ़ना लिखना भी सीख लिया है, तो क्यों ना कोई छोटी सी परचून की दुकान ही कर लो, जिससे घर का खर्च भी चलेगा और तुम्हारी परेशानी का हल भी निकल जाएगा। कुसुमा को ये बात समझ आ गई और उसने कुछ करने का फैसला किया। कुसुमा जो कि गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, उसको मायके से एक बकरी मिली थी। उसी बकरी के बच्चे को पाल पोस कर उसने बड़ा किया और बकरे को 1600 रुपए में बेचकर अपने गांव में ही एक छोटी सी परचून की दुकान कर ली। गांव क्योंकि बड़ा था तो बिक्री भी होने लगी। हमारे मायके में गरीब थे, नहीं पढ़ा पाए, तो कहे आप पढ़ोगे, हम कहे ना दीदी पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पढ़ने जाने लगे। पढ़ने जाने जाते थोड़े जब हमको हिसाब आना लगा तो थोड़ा मेरे पास बकरिया, उसको बेच के मैंने दुकान भी खोल दिया। सर इतना परेशानी आती, खेत बोआना भा, मैंने जब पानी लगाया तो एक बार छिपा दिया मेरा खेत, दोबारा मैं कहा था कि पैसा दो तो नहीं था, तो हम कहें हमारा खेत सूखता है सींच दो, तो कहा कि आप अभी पछला पैसा नहीं दिया, खेत सिंचाने आगे पहले पैसा लेके आओ तो खेत सिंचाओ। कुसुमा ने अपनी दुकान को बड़े अच्छे ढंग से संभाल लिया। अब वो दुकान का सारा हिसाब किताब स्वयं करती, सारे सामान का लेन देन भी वो खुद ही कर रही थी। देखते ही देखते कुछ समय बाद कुसुमा की दुकान खूब चलने लगी और धीरे धीरे उसके हालात सुधरते चले गए। ये वो कुसुमा थी जिसके कल तक आंखों के आंसू नहीं सूख रहे थे, घर के हालात बिगड़ते जा रहे थे, मगर उसकी इस परेशानी के हल का सबब बनी उसकी शिक्षा जो उसने साक्षरता कक्षा से पाई थी। इन्हीं साक्षरता कक्षाओं से आज साक्षर होकर वो अपने परिवार को सहारा देने में सफल हो पाई थी। आज वो साक्षरता के महत्व को समझ चुकी है और उसने केंद्र पर पढ़ने के अपने सफर को निरंतर जारी रखा। इसमें कुसुमा के पति ने उसका भरपूर सहयोग किया। जब कुसुमा साक्षरता केंद्र पर जाती तो उसकी लड़की दुकान को संभालती। आज कुसुमा की बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ रही है और कुसुमा अपने बाकी बच्चों को भी साक्षर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, आज उसने बैंक जाकर अपना अकाउंट खोल लिया
जिसमें वो 10 रुपए रोज के हिसाब से भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पैसा जमा कर रही है। आज ये हालत है कि दुकान की कमाई से परिवार के ज्यादा से ज्यादा खर्च पूरे हो जाते हैं और एक खुशहाल और सुखी परिवार की तरह वो अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रही है। कुसुमा आज एक जागरूक और आत्मविश्वास से भरी महिला दिखती है। वो सारे काम स्वयं करती है और अपने सारे बच्चों को भी साक्षर करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कुसुमा के जीवन में आए इस परिवर्तन का सारा श्रेय वो इन साक्षरता कक्षाओं को देती है, जिनके कारण आज उसने यहाँ तक का सफर तय किया है। अपने परिवार की स्थिति को उसने अपनी मेहनत से सुधारा है। न वो साक्षरता केंद्र पर जाकर साक्षर होती और न ही पढ़ लिख कर हिसाब किताब सीखती और न ही हिम्मत करके परचून की दुकान ही खोल पाती। आज पूरा परिवार कुसुमा की लगन और मेहनत पर नाज करता है कि इस उम्र में कुसुमा ने गांव में एक मिसाल पेश की है, जिससे अब वो निरक्षर महिलाएं भी साक्षरता केंद्र की तरफ रुख कर रही हैं, जो कभी कुसुमा जैसी नवसाक्षर महिलाओं का मजाक उड़ाया करती थीं। कुसुमा तो आज साक्षर होकर अपने परिवार को एक नया आधार दे चुकी है और अपने हालात बेहतर बनाने की उसकी कोशिशें निरंतर जारी है। हर निरक्षर व्यक्ति समाज के लिए एक बेहतर उदाहरण बन सकता है। बस जरूरत है हर निरक्षर को साक्षरता केंद्र की तरफ कदम उठाने की। कुसुमा जैसी निरक्षर महिला आज साक्षर होने के साथ साथ अपने जीवन को भी सुचारू रूप से चला रही हैं। कुसुमा के जीवन में आए बदलाव को साफ देखा जा सकता है। आज देश की हर निरक्षर महिला और पुरुष को जरूरत है साक्षरता की ओर आने की। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ हमें जागरूक ही नहीं करती, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने का सलीका भी सिखाती है। मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। पढ़ना लिखना सीखो ऐ दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें